Coming to the question, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. क्वेश्चन में क्या दिया हमें, ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर. मीन्स एक वुडन आर्टिकल बनाया गया है, ठीक है, किसके थ्रू, हेमिस्फीयर को स्कूप आउट करके दोनों ही साइड से, एक सिलेंडर जो दिया हुआ था उसके दोनों ही साइड से हेमिस्फीयर को स्कूप आउट करके एक वुडन आर्टिकल कंस्ट्रक्ट किया गया है या फिर वुडन आर्टिकल बनाया गया है. उसके आगे क्या दिया है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, जो ये हाइट है सिलेंडर की वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. तो जो बेस ऑफ रेडियस है सिलेंडर का वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर. तो जाहिर सी बात है हेमिस्फीयर का भी बेस रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर. हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. इस आर्टिकल का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है. गिवन क्या हो जाएगा, हमारा हाइट जो कि सिलेंडर का दिया है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है. रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, उसको हम लोग डायरेक्ट आर लिख सकते हैं, कितना है 3.5 सेंटीमीटर, करेक्ट. मालूम क्या करना है हमें, टोटल सरफेस एरिया ये आर्टिकल का. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल कितना हो जाएगा आपका, सबसे पहला कर्व सरफेस एरिया ये सिलेंडर का जो कि 2πRh, प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का जो कि दोनों ही साइड से स्कूप्ड आउट है. तो दो साइड्स का हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे हेमिस्फीयर कितना है 2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr² दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2πRh प्लस 2 × 2 4πr² दिस इक्वल टू, यहाँ से अगर हम 2πr कॉमन अगर निकाल लेते हैं तो रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा, h प्लस 2 × r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू कितना है 3.5 होल इंटू h, हाइट कितना है आपका 10 प्लस 2 इंटू r की वैल्यू कितनी है 3.5, ये हो जाएगा आपका 2 × 22 = 44 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, 7 से 0.5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, इंटू 10 प्लस 2 × 3.5 ये हो जाएगा आपका 7, दिस इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इंटू 10 प्लस 7 17, दिस इक्वल टू, इस पैरामीटर को अगर हम कैलकुलेट कर दें 44 इंटू 0.5 इंटू 17 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 374 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 374 स्क्वायर सेंटीमीटर जो कि टोटल सरफेस एरिया इस आर्टिकल का हो गया. यहां पर हमने देखा था कि जो आर्टिकल जो फॉर्म हुआ था वो सिलेंडर और हेमिस्फीयर को दोनों साइड को स्कूप आउट करके ही बना था. तो जब टोटल सरफेस एरिया हमने आर्टिकल का मालूम किया वो क्या हो गया, सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का प्लस कर्व सरफेस एरिया दोनों हेमिस्फीयर का क्योंकि दो साइड से स्कूप्ड है, ठीक है. तो जब हमने अप्लाई किया फॉर्मूला और फर्दर कैलकुलेशन किया तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या आ गया, 374 स्क्वायर सेंटीमीटर.